सबसे पहले तो मैं आज 11 अप्रैल 2022 पूरी दुनिया के मेमन बरादरी, जो 15 लाख मेमन बरादरी के लोग हैं जो अलग अलग खित्ते में बसते हैं और हिंदुस्तान में 500 मेमन जमाते हैं जिसमें 15 लाख मेमन हैं, उनको मेमन डे की आज बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये मेमन डे पिछले 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरुआत हुई और ये पूरी दुनिया में फैल गया। पहला साल जो है वो इंडिया के अंदर कुछ जमातों ने किया, दूसरे साल 500 जमात किए और तीसरे साल पूरी दुनिया के अंदर ये फैल गया। इसका मेन मकसद है कि मेमन बरादरी को एक प्लेटफार्म पर लाना, दूसरे नंबर पे हमारी मेमन लैंग्वेज जो है मेमनी भाषा को फ़रोग देना, मेमनी भाषा को आगे बढ़ाना, घर के अंदर घर घर में मेमनी भाषा जो हमारी जो है कच्ची भाषा जो है वो भुलाते जा रही है उसको घर के अंदर आम करना, और तीसरी बात यह है कि खैर का नेकी का काम जो मेमन के रगों में और नसों में है वो खैर का काम करना। आज 11 अप्रैल को करोड़ों रुपये की सखावत होती है, आज ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं मगर रमज़ान की वजह से ये सारा काम नहीं हो पाया है, तो और रमज़ान की वजह से अलग नौइयत का ये काम हमने अंजाम दिया है, इफ्तार करना, लोगों को इफ्तार करवाना। यहाँ देखिए आज लगभग 500 लोगों को यहाँ इफ्तार चालू है और पूरे रमज़ान मेमन डे का के उससे पूरे रमज़ान तक यहाँ पर ये जो मार्केट है पूरी गर्दी लगती है और यहाँ पर आजू बाजू में कहीं सहूलियत नहीं है रोज़ा खोलने की, तो यहाँ रोज़ 500 लोग जो है ये रोज़ा खोलते हैं। तो आज मेमन डे के दिन हमारे पूरे हिंदुस्तान के मेमन बरादरी ने कहीं फ्रूट बांटने का काम किया हॉस्पिटलों के अंदर, कहीं कपड़ा बांटने का ईद का किया है, कहीं ड्राई फ्रूट बांटने का काम किया है, कहीं हॉस्पिटलों के अंदर जाके मरीजों को दवाई देने का काम किया है, कहीं एजुकेशन के अंदर फीस देने का काम किया है और इसी तरह सेमिनार वगैरह करके एकता और भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिल करके हम लोग उनको बुलाते हैं और ये जो है सेलिब्रेशन करते हैं। आज पूरी दुनिया में जापान से ले करके आज सऊदी के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, साउथ अफ्रीका में प्रोग्राम हो रहा है, मोपुटो में आज प्रोग्राम हो रहा है, दुबई में आज प्रोग्राम हो रहा है, इसी अमेरिका में आज प्रोग्राम हो रहा है, तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में आज एक प्रोग्राम है, इसी तरह सारी दुनिया के अंदर मेमन डे का प्रोग्राम खैर का मनाया जाता है। गरीबों की आज ईद है समझ लीजिए और गरीब का इसके अंदर खूब भला होता है, राशन की किट सैकड़ों हजारों गरीबों को दी जा रही है। रजिया भाई चश्मावाला जो हमारी लेडीज़ विंग के चेयरपर्सन है आज वसई जा करके मलाड में जा करके पूरी टेम्पो भर करके आज वो अनाज बांट रही है। नसीमा भाई सूरती आज सूरत के अंदर हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर लड़कियों को इनाम वगैरह या लड़कियों को ज़रूरतमंद लड़कियों को मशीन वगैरह का काम अल्हम्दुलिल्लाह देने का काम कर रही है। सूरत की 5 जमात मिलकर के आज बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रही है जिसमें सेंट्रल के स्टेट के मिनिस्टर भी और मेयर भी वहाँ पर हाजिर होने वाले हैं और इसी तरह पूरे हिंदुस्तान की मेमन जमात जो है मिल करके इस तरह काम कर रही है। हमारी एजुकेशन मेमन वेलफेयर सोसाइटी वो एजुकेशन का काम बहुत अच्छा करती है, नाथानी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो एजुकेशन का बहुत अच्छा काम करते हैं, हम लोग जो हैं हाउसिंग का और मेडिकल का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। 12 करोड़ का हमारा यही ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की जो ऑफिस है यहाँ से काम होता है, हर महीने 1 करोड़ रुपया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बंटवारा होता है गरीबों का, कोई जात विभेद धर्म भेदभाव नहीं। हमने पानी के कुएँ खुलवा दिए, ट्यूबवेल लगवा दी, आज़ाद मैदान में आप जाइए तो पानी का जो पिया हुए कभी देखिए जा करके कि वहाँ पर रोज़ 10,000 आदमी वहाँ ठंडा पानी फिल्टर पानी पीते हैं, तो इस तरह का काम समूह लगन हम लोग करवाते हैं, इस तरह का बहुत सारे काम हम लोग जो है वो हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमारे सखी दाता जो हैं हमारे जो डोनर हैं उनको मैं दुआ देता हूँ कि वो उनकी साथ और सहकार है और मेरी टीम जो है मेरे साथ में जो काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी लगन और धगस से और ईमानदारी से और मुखलिसाना काम करती है। मैं सारे को मेमन बरादरी को आज अपील करूँगा कि मेमन डे के मौके पर आप पूरा साल ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को और मेमन बरादरी को साथ दें, बहुत काम हमें करना है, हमें स्कूलें खोलनी है, यूनिवर्सिटी हमको खोलनी है, हमको कॉलेजें खोलनी है,
और हमारे ऑफिसरों को आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनाना है, हमको बहुत आगे जाना है। आज एक यूनिटी हम दिखाए मेमन डे के दिन, इंशाल्लाह फिर आगे प्रोग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह आगे जाकर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू व मगफिरतुहू। काबिल मुबारकबाद हैं जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब और उनकी पूरी टीम, जिनकी जिद्दोजहद से आज का ये समा ये खूबसूरत महफिल देखने को मिली। और मैं काबिल मुबारकबाद हैं वो हमारी बहनें भी, जिनकी जिद्दोजहद से आज ये इंतज़ामात हुआ, और इंतज़ामात के साथ साथ उन बच्चे और बच्चियों के लिए, औरतों के लिए खसूसन ये महफिल सजाई गई बाहर, जिनके लिए अफ्तारी का इंतज़ाम, औरत बच्चे बूढ़े जवान जो दूर दराज इलाके से यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए अफ्तारी का एहतमाम पूरे माह, ये बहुत खूबसूरत है। क्योंकि ये रहमतों वाला अशरा गुजर रहा है, उसके बाद मगफिरतों वाला अशरा आएगा। ये रहमतें और बरकतें जो बढ़ती हैं, ये मेमन जमात के तमाम जिम्मेदारों ने जो जिद्दोजहद की है, मैं उन जिद्दोजहद को सलाम करता हूँ। और वर्ल्ड मेमन डे के तौर पर आज का दिन जो मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में बसने वाले मेमन भाइयों को मैं मुबारकबादियाँ देता हूँ। इसी तरीके से खदमत खल्क करते रहें, और दुनिया के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हर लम्हा अपना दिन और रात अल्लाह की खुशनुदी में गुजारें। क्योंकि मेमन भाइयों ने पूरी दुनिया में जो जिद्दोजहद की है, और साथ ही साथ पूरी दुनिया को जो पैगाम देते हैं अपने अमन का, प्यार का, मोहब्बत का, इख्वत का, भाईचारगी का, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी ये पैगाम हमेशा हमेशा जाता रहेगा। आपने माल के ज़रिया, अपने दौलतों के ज़रिया, अपने मॉरल सपोर्ट के साथ पूरी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का काम करते हैं मेमन जमात। मैं मेमन जमात के लोगों को बहुत मुबारकबादियाँ देता हूँ, और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए, और दुनिया आखिरत में इसका अज्र आप तमामी हजरात को अता फरमाए। शुक्रिया। मैं एज अ मेमन सबसे पहले मैं सबको विश करना चाहूँगा हैप्पी मेमन्स डे। ये आज वर्ल्ड मेमन डे अल्हम्दुलिल्लाह, और आज वर्ल्ड मेमन डे पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है, इंडिया में तो बनाया जा रहा है, जोरों शोरों से पूरी दुनिया में। और ये एक दिन है जिसको गरीबों की ईद भी जानी जाती है, बिकॉज यहाँ बहुत से खैर के काम होते हैं। एज अ यंग पर्सन, यंग मेमन, जो मैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से बहुत सालों से जुड़ा हुआ है, आई एम अ यूथ चेयरमैन ओवर हियर, तो यहाँ पर एक ही चीज़ मकसद है, हमेशा खैर का काम करना है 24/7, और कोई कास्ट क्रीड कुछ भी नहीं देखा जाता है, बस एक ही चीज़ है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। तो ये दिन भी जो आज जो काम हो रहा है, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, सिर्फ मेमन कम्युनिटी या मेमन बिरादरी के लिए नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के लिए काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सा खैर का काम हो रहा है। अभी हम जस्ट ऑर्फनेज गए थे, वहाँ बच्चों को ईद के कपड़े और वहाँ पर केक और स्वीट सब देकर आए, पूरी यूथ टीम अल्हम्दुलिल्लाह गई थी। तो ऐसे ही काम होते रहते हो। और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारे को गाइड करते, मोटिवेट करते कि हम ये सब अच्छे काम को अंजाम देना, वरना यूथ आज की तारीख में इतना टाइम निकाल के, आज मंडे का दिन है लेकिन आप देखोगे यहाँ सब यंग दिख रहे, सब अपने काम छोड़ कर भी आ रहे, बिकॉज हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को उस तरीके से गाइड करते कि हम आगे आए, वो रिस्पेक्ट वैसे देते कि हम अच्छे काम करना, और दिन रात मेहनत करते हैं मेमन डे के लिए। आज मेमन डे में जितना काम होता है ना, उसमें आधे से ज़्यादा काम करवाने के लिए ये बहुत मेहनत, महीनों से मेहनत करते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर। तो बस यही है। और हमारे जो स्पोर्ट्स विंग के चेयरमैन है मिस्टर आसिफ अब्बा जुम्मा, बहुत एक्टिव है। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी, ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी अजीज मच्छी वाला, ये सब लोग साइलेंटली भी बहुत काम करते हैं। हमारे सीईओ अल्ताफ ओलियो, पूरी यूथ टीम अलहमदुल्ला, पूरी यूथ विंग काफ़ी काम करती है। तो वंस अगेन हैप्पी मेमन्स डे सबको, वी आर प्राउड टू बी मेमन, और हमेशा अच्छा काम करते रहो ताकि मेमन कम्युनिटी का नाम हमेशा सबसे आगे रहे ह्यूमैनिटी के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम नबीवाला, यूथ मेंबर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन मुंबई। सबको विश करना चाहता हूँ हैप्पी मेमन डे। 11 तारीख अप्रैल की जो हमने मेमन डे वर्ल्ड में बना रहे हैं, सब जगह पर जो ऑफनेज में, जगह जगह पर जो गुड काम हो रहे हैं, नेक काम हो रहे हैं डोनेशंस के, और सब जगह पर जो ईद के त्यौहार बनाया जा रहा है इस रमज़ान के महीने में, सबको रमज़ान मुबारक और मेमन डे मुबारक। मेरा नाम फरीदा आगबोट वाला है, और मैं लेडीज़ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ ज्वाइन हो, वक्त निकालें, और क्योंकि लेडीज़ की क्या प्रॉब्लम है वो लेडीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकती हैं। तो मेरी नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सभी को, मैं सलमा मेमन, एक सोशल एक्टिविस्ट ऑफ उम्मीद फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की यूथ मेंबर हूँ। सबसे पहले सभी को वर्ल्ड मेमन डे की बहुत सारी विशेस। आज अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड मेमन डे के दिन पर कितने सारे स्टेट्स पर सारी चैरिटी वर्क हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और एज ए यूथ मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कम्युनिटी को हमारी ज़रूरत है,
तो चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो घर से बाहर निकले, हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ वर्क करें। ज़रूरी नहीं है हमेशा हमें मॉनिटरी में वर्क करना है, आप वॉलेंट्री भी कर सकते हैं। बस आप नज़दीकी जमात से जुड़े और चैरिटी वर्क करते रहिए, यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। और फिर से आप सभी को एक बार वर्ल्ड मेमन डे की बहुत सारी विशेज। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ अस, और हम जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इसे कबूल करें इंशाल्लाह। आमीन। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड एल्डर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। I would first like to introduce myself, that I am Dr. Irfan Kasmani, and I am an emergency medicine specialist practicing in Lilongwe city of Malawi since past 15 years, alhamdulillah. And on behalf of myself and the Maimon community of Malawi, I would like to greet one and all a happy Maimon's Day and a very hearty Ramadan Mubarak. We pray that Almighty Allah accept all our charities and ibadat in this auspicious month and shower His countless blessings on all of us, inshallah. Ameen. I sincerely thank and commemorate the elite members of our Jamaat, and especially to Sir Iqbal Maimon, who has organized this day in a very special way. I also convey the best regards and duas from the members of the community in Malawi, Mr. Altaf, and Mr. Harun Sakrani and Mr. Imtiaz Mirza, who especially requested me to convey his warm greetings to Iqbalba and the entire team of the Jamaat. On this special day in Malawi, to gain blessings on the 12th to 13th of April, we do a lot of charities and distribute iftar packs to the underprivileged local Malawians, since it's a Mubarak month, and to share our joy with these local people and doing different types of charities and assistances. We do a lot of work, and at one point of time, Sir Iqbal Maimon came to Malawi to introduce this concept, which has been going very well in Malawi. I thank you, dear all, for inviting us on this special day, and Mr. Iqbal, sir, and the entire team has been very kind enough to organize this function. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. World's Maimon Day ki main sabhi Maimon jamaat ke logon ko main bahut बहुत आज के दिन की मुबारकबाद देती हूँ। और ये जो मेमन जमात है, ये शुरू से बहुत ही अच्छा काम करती हुई आई है, और इसी तरह से हमारी उम्मीद है, हमारी दुआ है कि वो इसी तरह से और खैर के काम हमारी कौम के लिए करती रहे। एक बार फिर हम सब की तरफ से वर्ल्ड मेमन की मेमन जमात को बहुत बहुत मुबारक। मेरा नाम मजीद लाधानी है। हम लोग मेमन कम्युनिटी जो है 11 अप्रैल को मेमन डे के रूप में मनाते हैं पूरे वर्ल्ड में। इस दिन हम लोग सेवा का कार्य करते हैं, समाज सेवा के कार्य करते हैं, और इस वक्त नसीब से रमज़ान में ये मेमन डे आया है। तो माशाल्लाह अभी इसमें आज के दिन बहुत दुगना सेवा का कार्य हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। आज के दिन बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम गुजरात में देखो तो सूरत में हो रहा है, जहाँ गुजरात के होम मिनिस्टर भी उसमें शामिल होने वाले हैं। आज यहाँ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ऑफिस पे फ्लैग होस्टिंग हो रहा है और इफ्तार पार्टी रखी गई है। तो मैं ये पूरे वर्ल्ड के मेमन को मैसेज देना चाहता हूँ कि मेमन डे के रूप में हम लोग मेमन डे मना के, किसी डे के डे मना ही नहीं, मतलब इसके पीछे जो भावना है, जो हमको सेवा करने का है, तो उसको हम 100% दे के हमारा जनता की, लोगों की, मेमन समाज की सेवा खिदमत खल्क करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेमन डे के मौके पर मैं सबको मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह इसी तरह हमारा मेमन डे मनाया करे, और जो हमारे कौम के अंदर जो गुरबत वाले हैं, जिन्हें जो तकलीफें परेशानी है, उनके मेमन डे के बदौलत उनकी परेशानियों के अंदर कुछ ना कुछ उनको राहत मिलती रहे और उनकी परेशानियाँ दूर होती रहे रमज़ान मुबारक महीने में, और हमारे से हमारी कौम की, हमारी समाज की खिदमत हो सके। इसकी इसी तरीके से, इसी नीयत से इंशाल्लाह हम सब जमा होते हैं और हम हमारी आवाम की हम खिदमत करते हैं।